अरे बेटा क्या है यार ये भाई, आओ चलो रेडी। भगवान कसम कह रहा हूँ गलती कर दी है चैलेंज लेके। चॉकलेट मिलेगी, बहुत बढ़िया। गाइस यार वेलकम बैक सभी लोगों का अंशुबिष्ट व्लॉग्स में। और बाकी आज हम लोग फाइनली करने वाले हैं यार शिवांगी के साथ जो हम लोग चैलेंज करने वाले थे कांट से नो टू माय सिस्टर फॉर 24 आवर्स वाला, तो आज हम लोग वो करने वाले हैं। बाकी अभी शिवांगी तो स्कूल पे है, वो आएगी उसके बाद देखते हैं, उसको थोड़ा सा प्रैंक भी करूंगा कि यार नहीं कर सकते यार, सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि मत करना, लाइक तो हो गए बट मत करना कह रहे थे, तो बाकी वो वाली चीज़ें करके। हाँ ये देखो ये क्या है, ये ऐसी है? मुर्गी है क्या? ओहो देखो कौन आ गया स्कूल से, और वो भी केक लाते। ओ भाई साहब। अच्छा शिवांगी मेरे को एक चीज बतानी तेरे को, सॉरी हाँ देख बुरा मत मानना ठीक है, दिक्कत हो गई थोड़ी सी और कुछ नहीं। क्या? यार मैं ना कमेंट पढ़ रहा था सारे, तो उसमें मैंने देखा कि सब लोग बोल रहे थे कि लाइक तो हो गया ना 200 के लाइक करने थे चैलेंज वाली में, लेकिन मैं कमेंट पढ़ा सब कह रहे थे कि नहीं शिवांगी के साथ वाला चैलेंज मत करना भाई मत करना प्लीज ऐसे करके कर। मैंने देखा तूने कमेंट पढ़े उसके? नहीं कमेंट नहीं पढ़े इसने यार, उसमें सब में यही लिखा हुआ है कि प्लीज यार शिवांगी के साथ वाला चैलेंज मत करना यार प्लीज। ऐसा नहीं लिखा है। तो फिर आज तैयार हो जाओ, आज हम लोग करने वाले हैं चैलेंज। क्या क्या लिस्ट निकालूंगी? मतलब क्या लिस्ट? क्या बना रखी है ना है? अब तुम ना नहीं बोलोगे? अबे मैं तो मजाक कर रहा था, सही में लिस्ट बना के रखी हुई है। तो गाइस यार मेरे को एक वीडियो अपलोड पे लगानी थी, वो मैंने फटाफट से लगा दी है। अब चलो चलते हैं फटाफट से नहा धो के आते हैं, क्योंकि मेरे को आज अपने बाल भी धोने थे। तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा अपने हेयर के लिए क्या यूज करता हूँ जिससे इतने स्ट्रांग और डैमेज फ्री है। गाइस यार तुम लोगों को तो पता ही है पिछले कितने सारे व्लॉग्स में मैं तुम लोगों को अपने हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम के बारे में बता चुका हूं, तो फाइनली मैंने स्टार्ट किया यूज करना वाव का अनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल रेंज। इस रेंज के सारे प्रोडक्ट में अनियन सीड ऑयल है जो कि हेयर ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है, और ये सारे प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने। कहने का मतलब है कि इसमें हार्मफुल केमिकल जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब सल्फेट पैराबेन सिलिकॉन ये कुछ भी नहीं है, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है सारे के सारे हेयर टाइप्स के लिए, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है। एंड मेन थिंग ये कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है ना ये आपके हेयर को 10 times स्ट्रॉन्ग तो करते ही है, उसके साथ साथ आपके हेयर को बनाते हैं शाइनी और स्मूथ। तो हैशटैग एक टेंशन कम फॉर हेयर फॉल। अगर आप लोग भी वाव के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाके बाय कर सकते हो। मेरा कोड यूज करना मत भूलना ताकि आपको मिले 20% डिस्काउंट। एंड यस बी वाव नेचुरली। चलो गाइस फटाफट से अब नहा धो के आते हैं। भाई मेरे को बहुत ज्यादा हैं, एक मिनट ये क्या लेके बैठी हुई हाथ में? क्या गधे की लिस्ट है? शिवांगी बेस्ट गधे की लिस्ट है। तो तुम भी तो बेस्ट हो। मैं बड़ा हूँ तेरे से, तमीज से बात कर मेरे से। तू दिखाना जरा क्या है इसमें शिवांगी, जरा गाइस ये जो लिस्ट है इसमें क्या क्या है वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अभी फटाफट से नहा धो के आते हैं, उसके बाद खाना वाना खाते हैं, फिर शिवांगी की लिस्ट भी तो कंप्लीट करनी है। अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को थोड़ी देर में क्या है इसमें। गाइस यार फाइनली नहा धो के आ चुके हैं, अभी फटाफट से मैं तुम लोगों को लिस्ट भी दिखाता हूँ, बट उससे पहले जल्दी से जाके खाना वाना खा लेते हैं यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो फटाफट खाना वाना खाते हैं और शिवांगी की लिस्ट कहाँ गई? अरे भाई इसमें बहुत कुछ है, तो ये लिस्ट मैं तुम लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा भोजन हो जाए और फटाफट से कंप्यूटर चला के एक बार वीडियो भी देख लेता ना, क्योंकि मैंने वीडियो अभी अपलोड करी है तो मैं देख लेता हूँ कि उसमें सब सही है, एडिटिंग सब कुछ कूल है करके एक बार देख लेता हूँ तुम लोगों के साथ बैठ के। 2 बज गए होंगे, तो चलो फटाफट से खाना खा के मिलता हूँ 2 मिनट में। तो गाइस यार फाइनली खाना पीना तो हो गया, मैंने वीडियो भी देख ली है, अब तुम लोगों को दिखाता हूँ मैडम जी ने क्या लिस्ट बनाई है। ये देखो तुम लोग जरा, हैव फोन ठीक है, हेडफोन नहीं हैव फोन। अरे शिवांगी चलो आएगी ठीक है, थोड़ी देर में आएगी, पहले मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। स्टडी टेबल, चलो कुछ अच्छी चीज है। ये क्या है? फेविक्रिल मोलिलेट बॉक्स। क्या है ये? तुम लोगों को समझ में आया तो बताना मेरे को जरा। ये पांसिल कलर ले लो, एयर ड्राई क्ले, भाई भगवान जो होता होगा यार ये पोस्टर कलर ये तो मिल जाएंगे। चलो आयरिंग क्या होता है ये? और ये और ये तो अभी ऐड करा है इसने, चोर कहीं की। बीजी बैग, बहुत बढ़िया बैग करो,
बैग नहीं है ये डीजी बैग है ये। तो अब जाके आई है मैडम, जरा मैडम ये बताना मेरे को ये क्या है, ये बताओ ना मेरे को, ये हैब फोन क्या होता है, ये हैब फोन हेड। अरे बेटा स्कूल में थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है ठीक है, स्टडी टेबल भी समझ में आती है मेरे, क्ले भी समझ में आती है मेरे, ये क्या है फेविक्रिल मोल्डेड बॉक्स, क्या है ये मोल्डेड क्ले, क्ले मोल्डेड क्ले है वो। ये तो नहीं मिलेगा यहाँ, मुश्किल है तो मिलना, मिल गया था मुझे। कहाँ पर है? तूने दुकान भी देख रखी है? हाँ? ओ भाई इस मंदिर ने दुकान भी देख रखी है, कहाँ से मिलेगा? अरे भाई लूटने के लिए तो बैठे हुए हैं ये बिल्कुल। क्या कर रही है एक बार करिए, फिर से करिए जो करत रही है। भाई ये लिटरली लिस्ट बना के बैठी हुई है, और कमूरा कहने को भाई ये ना बोल पाए कि मिलेगा नहीं, ढूंढ के भी बैठी हुई है कौन सी दुकान में मिलेगा। पांसिल कलर पांसिल कलर ले लो, पांसिल कलर चाहिए, पांसिल कलर है ये देखो गवेट को भाई तुम। एयर ड्राई क्ले ये तो मिलेगी नहीं यहाँ, ये भी मिलेगी। यार भगवान क्या है यार ये भाई, कुछ अच्छा भी लिख लेती इसमें भाई, सब ऐसी चीजें है ना जो दो दिन में खराब करके बैठ जाएगी। पोस्टर कलर तो चलो मिल ही जाएंगे। ये क्या आयरिंग क्या है, आयरिंग क्या होता है भाई? इयर रिंग, कान की बिंदी, मतलब कान की वो क्या बोलते उसको, बुंदा। हाँ कान का बुंदा चित्र को है, ये भी ठीक है। और ये क्या है, बीजी बैग, बीजी होता है बैग, अरे बीजी लिखा है बेटा बेटा ओ बेटा, तुम्हें तो स्कूल जाने की जरूरत है, ये सब मत करो तुम। तुम यार चैलेंज रहने दो गाइस, इसके 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 स्कूल की साल भर की फीस भर देते हैं, ये स्कूल तो जा नहीं रही है लग रहा है मेरे को। अरे भाई कौन सी क्लास में, फिफ्थ क्लास में, ठीक है फिफ्थ क्लास में, और बीजी बैग जल्दबाजी में ताई के सामने, और वो भी मेरे को दिख रहा है कि तूने ना वो बाद में ऐड करा है अपनी लिस्ट में, बहुत ज्यादा तेज हो रही है, बहुत ज्यादा है। तो गाइस चलो फटाफट से शिवांगी का सारा सामान लेके आते हैं, बट उससे पहले मेरे को पता है तुम लोग बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि लाइक लाइव स्ट्रीम में भी आके पूछे थे, बहुत सारे कॉमेंट पूछे थे कि भैया जो संदीप सर ने आपको गिफ्ट दिया था उसके अंदर क्या है। तो चलो आज हम लोग देखने वाले हैं संदीप सर के गिफ्ट के अंदर क्या है। ये मैंने खोला नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस व्लॉग के लिए बचा के रखा था। शिवांगी आर यू रेडी, आइए देखें इस गिफ्ट के अंदर क्या है। घर वाले तो मुझे लूटते रहते हैं, संदीप सर ने तो कुछ दिया है, वो खोल के देख लेते हैं एक बार। आओ चलो रेडी। तो फट ही गया। चलो ओ भाई ये क्या है, पेपर है इसके अंदर। ओके कहीं इसके अंदर डब्बे के अंदर डब्बा ना निकल जाए। ठीक है लास्ट में संदीप सर ने लिखा, तुमने मेरे साथ प्रैंक करा ना, ये लो तुम्हारे साथ भी प्रैंक कर दिया। अब देखते हैं ठीक है। चलो डैडी ओ आई गेस ये डब्बा हो गया। ठीक है अभी ये डब्बे के अंदर डब्बा हो चुका है, लेट्स सी इस डब्बे के अंदर क्या है। दोस्तों इस डब्बे के अंदर है नानू नीनी नीनी नी। एक्साइटमेंट देख रहे दोस्त। आओ रेडी शिवांगी, क्या होगा इसके अंदर, चलो गैस करो गैस करो, यहीं पे वीडियो रोको, कमेंट में गैस करो इसके अंदर क्या हो सकता है। शिवांगी तुम गैस करो क्या होगा। आईफोन, आईफोन है यही देंगे वो। वाओ बुद्धा, वाओ लॉर्ड बुद्धा, बहुत प्यारा है भाई ये तो। मैं थोड़ा साफ सफाई करूंगा, यहाँ पर रखूंगा प्रॉपर भाई, ऐसे मेडिटेशन करने के लिए, तुम समझ रहे हो। मेडिटेशन करता हूँ मैं, ज्यादा नहीं बोल रही तू है, पेट तो कम करानी है मेडिटेशन। इसको ना बताता हूँ मैं, रुको जरा एक मिनट। मम्मी तुमने लिस्ट देखी है उसकी, कितनी लंबी लिस्ट बना के आई हुई है वो, और पता नहीं क्या क्या है उसमें। अच्छा। और मैंने तो सोचा कि ठीक है यार बोल दूंगा कि ये तो सामान मिलेगा नहीं, ये तो मम्मी दुकान तक ढूंढ के लेके आई हुई है यार है? ये देख रहे हो इसको, ये हाँ दुकानें तक ढूंढ के आई हुई है, पता नहीं ठंडी सड़क में दुकान है, यहाँ दुकान है वहाँ दुकान है, भाई क्या ही तेज हो गए हैं यार बच्चे आजकल। लिस्ट तो निकालो जरा, लिस्ट रखो यहाँ पे, क्या लिस्ट है वो। भैया जी की शॉप में आ गए, अभी बार लिस्ट दिखाओ तुम पहले।
पहले फेविक्रिल मोल्डेड क्ले का डिब्बा और क्या है और क्या है और एयर ड्राई क्ले एयर ड्राई भैया पेंसिल कलर है आपका पेंसिल ये इतनी ज्यादा तेज है ना ये जो लिस्ट में नहीं था ना वो भी बोलने लगी पता है लिस्ट इसने जेब में रख ली और भैया को बोले जा रही है मैं कह रहा हूँ एक मिनट यार इतना भी नहीं देखा था लिस्ट में हाय साहब भैया बोल रहे हैं छोटी सी नटराज वाली ये कह रही बड़ी वाली तो बड़ी वाली जितनी बड़ी पेंसिल हो सके बहुत ज्यादा तेज भगवान कसम कह रहा हूँ गलती कर दी है चैलेंज लेके यार गाइस अभी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है अब चलते हैं ढूंढते हैं अगर बाई चांस यहाँ पर कहीं पे शिवांगी जी का स्कूल बैग जो अगली ख्वाहिश है मैडम की क्यों करता हूँ मैं ऐसी हरकतें भाई क्यों बोल दिया मैंने कि 2 लाख लाइक करा देना चैलेंज कर लीजिए चाहिए चलो अब ढूंढते हैं स्कूल बैग तो ये वाला बैग अच्छा लग रहा है हाँ। देख रहे हो बिल्कुल सीधे मिनी शो में आके बैग ला भाई इसने सब कुछ सोच रखा है कहाँ से क्या लेना है सही लग रहा है बैग अच्छा लग रहा है देख लिया एक बार चल ठीक है फिर भाई एक हमारा टाइम हुआ करता था भाई लिटरली कितने का 100-100 रुपए के बैग लेते थे भाई 710 रुपए ये ठीक है वो बैग जो है ना भाई वो काफी नहीं था भाई दादा अब ना हम लोग वॉकर में आए हुए हैं तो थोड़ा सा बर्गर किंग भी खिला दो यार अब पता नहीं क्या पनीर वनीर क्या क्या मंगा रखा है अच्छा एक ही मंगाया है सिर्फ इसी के लिए सिर्फ मैं तो मोटा हो रहा हूँ खा के मैं तो खाऊंगा नहीं भाई कितनी तेज हो रही है और कह रही मैंने नहीं मंगाया है बहन मैंने ऑर्डर किया है करा तो तेरे लिए है तो तेज हो रही है देख रहा हूँ कहते वीडियो में कह रही मैंने नहीं मंगाया है देख रहे खद्दू को ये देखो मेरे पास कुछ नहीं है ठीक है यही खा रही है पूरा और बोलने के लिए मैंने तो ऑर्डर भी नहीं किया है देखो जरा इसको भाई यार किस्मत पे पत्थर कहते ना वो मेरी पड़ी है मेरी इसने पता नहीं कहाँ से जाते जाते गाड़ी तक का ये देख लिया मतलब यहाँ पे गेमिंग का है पूरा अब गेमिंग कराओ मैडम को क्यों लिया ये चैलेंज मैंने इसने ये क्या ओ भाई साहब ओके अच्छा ये भी ठीक है चॉकलेट जी और खेलना है एक और बार ट्राई करना है करो इसको बेसिकली बस लेफ्ट राइट ले जाना है और इसमें मारना है चॉकलेट मिलेगी बहुत बढ़िया करो फिर से ट्राई करो नहीं हो पाएगा भाई ये बड़ों का काम है तो मैंने कहा था रुको जरा कैसे करते हैं रेडी ओ चार एक बारी में चार चल शिवांगी चल कर सकती है तू हाँ पूरा लगा उस पे एम लगा ओ भाई अरे ऑलमोस्ट यार कुछ छोटी सी चीज पकड़ लेती इतना बड़ा टैडी पकड़ रही है तो गाइस यार चलो खा पी के भी आ गए और थोड़ा गेम खेल के भी आ गए मस्त मजा आया अब चलते हैं शिवांगी की स्टडी टेबल ढूंढनी मैं सोच रहा हूँ अमेजोन से मंगा लूंगा अगर नहीं मिलेगी तो क्योंकि हमको पता नहीं है कहाँ मिलेगी तो वो करना है और शिवांगी के लिए लेनी है एक वॉच ठीक है वॉच जरूरी है क्योंकि इसने हेडफोन लिखा था बच्चों का हेडफोन तो देंगे नहीं वॉच लेनी जरूरी यहाँ कहीं नहीं मिली हम लोगों को तो वॉच लेंगे बाकी इसने खर्चा तो करवा दिया बट पता नहीं कि थोड़ा मजा भी आ गया यार वो गेम वेम खेल के भी और बेवकूफ जैसी कह रही मजा आ गया मैं तो चॉकलेट जीत गई दादा अबे 70 रुपीज में 1 ट्राई था वो 10 रुपए की चॉकलेट मिली है तुझे बेवकूफ मजा तो आएगा ही ना पैसे दद्दा के लगे हैं मजा तो आएगा ही तो गाइस यार फाइनली घर पहुंच चुके हैं हम लोगों को कहीं पर भी स्टडी टेबल नहीं मिली हम लोगों ने बहुत जगह ढूंढा और बाकी शिवांगी का क्या कहते हैं वॉच भी नहीं मिली है तो हम लोग सोच रहे दोनों ही अमेज़न से मंगा देंगे मस्त करके और अभी के लिए तो चलो जरा अरे ये वाले में उसमें तो चॉकलेट अच्छा जी मैडम जी को सारा सामान भी तो निकालना हुआ अभी वो तो देख रहे हो बैग वैग ये सब भाई ये बैग देख के मेरे दिल में जो चोट पहुंची ना मैं बता नहीं सकता हूँ यार 100 रुपए के बैग में जाते थे स्कूल 710 रुपए का है वो बैग 710 रुपए का ओहो आज मम्मी जी इतनी प्यारी कैसे लग रही हो मतलब और दिन भी प्यारी लगती हो आज और प्यारी लग रही हो क्या खिला रहे हो आज प्रसाद बेटा वहाँ से आ रही हूँ ना क्या? अच्छा अच्छा हाँ सुंदरकांड यस यस हम सभी लोगों की तरफ से तुम सबको हैप्पी नवरात्रियाँ ठीक है लाओ खिला दो मम्मी जी वाओ
ओ भाई वो ये तो फेवरेट वाला प्रसाद है मेरा जो हनुमान जी के उसमें मिलता है वही तो। ओ भाई ये देखो देखो ये तो खद्दू है कैसा है देखो ये भाई ये सबके मुझे डांट खा रही है अभी बैठ के चाची बता रही है मेरे को अभी ये क्लेव ले दीवार दीवार में चिपका देती है करके। मैं नहीं चिपकाती वो जय चिपकाता है पूरे दिन वही काम पढ़ाई नहीं करती ना फिर ये करती हूं करती मम्मी झूठ बोल लिया मम्मी चाची इस बार का इसका भी रिजल्ट आएगा ना एग्जाम का इस बार का रिजल्ट व्लॉग में दिखाऊंगा मैं सबको गंदा रिजल्ट आया अगर इस बार का रिजल्ट में तुम सबको दिखाऊंगा और इसका गंदा रिजल्ट आएगा ना फिर देख दू बेटे फिर देख दू बाकी बीजी बैग तो है इसका गाइस यार सारा का सारा सामान जो था वो मंगवा दिया मैंने बाकी बचा हुआ सामान भी अमेज़न से ऑर्डर कर दिया है अब मेरे को फटाफट से एक अंशु बिस्किट वीडियो रिकॉर्ड करनी वो करता हूँ एडिट करना है वो करता हूँ फटाफट से और मिलते हैं तुम लोगों से क्या है क्या हो गया यार तुम लिखोगे शिवांगी इज द बेस्ट सिस्टर क्यों लिखूं शिवांगी पहले बनता सही बेस्ट उसके बाद लिखूंगा ना हाँ जब मैं माइनक्राफ्ट में हारती तब तुम क्यों कर लिखवाते हो अब लिखोगे 100 बार मैं नहीं लिख रहा हो गया चल बाहर को निकल एडिट कर हार गए तुम क्या हार गया हार गए ना मतलब इसका मतलब ये तुम हार गए तो अबे थोड़ी दया तो दिखा मेरे को एडिट भी करना है बहुत काम करना है यार अभी थोड़ा तो सही कर ठीक है तो 10 बार लिख दो एक बार लिख के देता हूँ ना शिवांगी इज द बेस्ट एक बार में बहुत होगा यार मेरा एक बार 100 बार ही बराबर हुआ नहीं और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे लिख दूंगा चल चल निकल अभी दे दूंगा शाम तक का लिख के शाम को नहीं अबे अरे भाई इसको क्या भाई चैलेंज में ये है कि मैं तेरे को ना नहीं बोल सकता तूने बोला 10 बार लिखो 10 बार लिख के दे दूंगा चल अब चल चल बार को 10 बार लिख के दे दूंगा बोला ना चल अभी अबे अभी कह दूंगा चल निकल बार को अबे ये कैसी इतना मारूंगा ना डंडे वंडे तेरे को हाँ यार दे रहा हूँ ये ले लिख के दे दिया अब चल इतनी गंदी राइटिंग में नहीं चाहिए मुझे अबे बदतमीजी मत कर लिख दिया मैंने ओए मेरे को लिखना था मैंने लिख भाई ये गंदी राइटिंग है तुम देखो यार बहुत गंदी राइटिंग है बहुत गंदी है अपनी देखिए तूने बहुत अच्छी है ओ ये देखो एक मेरी मम्मी है यार मेरी मम्मी यार भाई एक मेरी मम्मी है चाय के साथ मेरे को फैन दे रही है और एक ये चैलेंज क्या करवा दिया ये तो भाई सर ही पड़ गई है बिल्कुल ताई नहीं बोला था ये सब लिखना हैं ताई ने करवाया था उज्जो तो मास्टरमाइंड ताई है उज्जो तो तुम्हारा नाम फंसवा रही है बीच में है? तो तुम्हारा नाम फंसवा रही है स्कूल बैग बोला तुमने खाली स्कूल बैग बोला था ना बाकी उज्जा ये देखो चोर कहीं की इधर आ तेरे को तो बताता हूँ मैं भाई देख रहा मम्मी का नाम फंसा रही करी ताई ने लिखवाया गाइस यार मैं ब्लॉग एडिट करने गया था बट मेरे को नींद आ गई तो मैं सो गया बाकी अभी ब्लॉग एडिट कर रहा रात के 11 बज गए हैं तो जो मैंने लिखना था वो तो मैंने लिख दिया वो मैं तुम लोगों को इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिखा दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके इंस्टा फॉलो कर लेना बाकी जिसने भी अभी तक वाओ के प्रोडक्ट चेक नहीं करे प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाना और जाके चेकआउट करना और बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों के नेक्स्ट व्लॉग में और तुम्हें यकीन नहीं होगा जग्गू ने आके मुझसे खुद तुम समझ रहे हो जग्गू सामने से आके बोल रहा है कि दादा मेरे साथ अरे एक लूट रहा है दूसरा ने लूट लिया तीसरा भी तैयार हो गया तो अगर तुम लोगों को जग्गू के साथ भी ये चैलेंज देखना है तो भाई लाइक करना 300K लाइक अगर तुम लोगों ने इस व्लॉग में कर दिए तो मैं गारंटीड ये जो चैलेंज है जग्गू के साथ भी करूंगा और वो पता नहीं क्या लिस्ट बनाएगा भाई बच्चे लिस्ट बनाते हैं यार तो यस अगर आपने अभी तक का लाइक नहीं करा कर देना सब्सक्राइब नहीं करा कर देना शेयर नहीं करा कर देना मैं मिलूंगा आप लोगों नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।